नीमच जिले के जमुनिया कला लखमी लाच छामनिया झंझरवाड़ा के गांववासी आज बड़ी संख्या में रेलवे फाटक नंबर 126 को चालू कराने की मांग को लेकर यहां लामबंद हुए। गांववासियों का कहना है कि यह रेलवे फाटक जमुनिया से लखमी सड़क पर उपस्थित है। इस रेलवे फाटक के बंद होने से किसानों, गांववासियों और स्कूल के विद्यार्थियों को आवागमन में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हजारों की संख्या में किसानों को रेलवे पटरी के पार स्थित खेतों पर जाने में लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। यह फाटक वर्ष 2015 में रेलवे द्वारा बंद कर दी गई थी, जिसको शुरू करने के लिए समय समय पर ग्रामवासियों ने संबंधित विभाग और प्रशासन को लिखित में अवगत करवाया था। रेलवे फाटक बंद होने के बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई, जिस कारण बरसों से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। फाटक नंबर 126 बंद होने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। महिलाओं द्वारा बताया गया है कि हमारे पास आवागमन के साधन भी नहीं है, कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कई बार गिर पड़ जाते हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि हम लोग सांसद, विधायक, प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों को परेशानी से अवगत करा चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। या तो रेलवे फाटक शुरू करवाई जाए या फिर ब्रिज बनवाया जाए। पहले यहाँ पर रेलवे स्टेशन हुआ करता था। करीब 100 वर्ष पुरानी लाइन पर पिछले 7 वर्षों से फाटक बंद है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि हमारी समस्या का तुरंत उचित समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन हेतु मजबूर होना पड़ेगा। ये लखमी, जमुनिया कला और भी लाच आसपास के 4-5 गांव लगते हैं यहाँ पे, जमुनिया सोसाइटी में सोसाइटी है और हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़े हुए गाँव है। तो मेन हमारे जमुनिया कला आने जाने के लिए, और पहले पुराने टाइम में यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी थी, तो यहाँ स्टेशन से और राजमार्ग से, मेन पुराना राजमार्ग से जुड़े हुए हैं महू नीमच, इस राजमार्ग से आने जाने में और सभी गांव वालों को लखमी और स्टेशन पर ख़त्म हो गया है करीब करीब। और हमारे हम भी पढ़े कम से कम, तो मैं मतलब मेरी 47 साल की उम्र है, तो मैं यहाँ पढ़ने आया था जब से, मतलब मेरे जन्म से देख रहा हूँ फाटक चालू है। और कम से कम पुरानी समय से, जो कब से, जब से रेलवे लाइन में हमारे पिताजी बाप दादा देखते आ रहे हैं, वहाँ से भी ये फाटक चालू थी। और अब ये जो 7 साल में ये फाटक बंद है, इससे काफ़ी आमजन को बहुत परेशानी है, आने जाने में दिक्कत है। इसके लिए कई भी जमुनिया कला और लक्ष्मीवासियों को ज्ञापन भी दिया है कलेक्टर साहब को। जी सर, ये फाटक लगभग 7 वर्षों से बंद पड़ी हुई है ये रेलवे लाइन के कारण, और शायद पहले कुछ हुआ होगा यहाँ सर्वे, तो जिसका कारण लखमी से लाच का ये रास्ता बहुत दुर्गत स्थिति में था, तो लोग यहाँ आने जाने के कारण कम लोग निकले यहाँ, तो उनके शायद रेलवे लाइन में डाटा में कम गया होगा, जिसके कारण ये बंद हुआ। और हमारे लखमी से और जमुनिया से आने जाने वाले जितने भी लोग हैं, इनको समस्या आती है, किसानों को ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि यहाँ सोसाइटी है और स्कूल भी है, स्कूल में बच्चों को आने जाने के लिए तकलीफ होती है। महिलाएं जो हमारे क्या यातायात की सुविधा नहीं है, तो जमुनिया में क्या बसें वसें है, तो बस निकलते हैं तो महिलाएं आती है, उनको क्या यहाँ से निकलने में समस्या आती है, ये है समस्या प्रॉब्लम। इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा है यहाँ पे, इतनी बड़ी समस्या है, विकराल समस्या है, आपने विधायक वगैरह से बात करी कभी? जी सर, विधायक साहब से चर्चा हुई थी, हमने आवेदन भी दिया है उनको, पहले भी दिया है, और अभी सांसद साहब आए थे यहाँ जमुनिया में, तो उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ अब यहाँ से दोनों गांव से लिख के दो हमारे को, तो आगे हम बात करेंगे। केंद्र का मामला है, सांसद जी का मामला है, रेलवे का मामला है, सांसद जी क्या कह रहे गुप्ता जी? उन्होंने कहा कि मैं केंद्र तक कोशिश करूँगा, गाँव के लोग सब मिलकर मुझे कुछ लेटर पेड दे, आवेदन दे, तो उस पर चर्चा करेंगे और आपकी आवाज़ आगे उठाएंगे। बड़ा मुद्दा है लोकसभा जी, जी सर, जी सर, तो उन्होंने संज्ञान में है, उनके बात हुई थी हमारी। हमको खेती बाड़ी में जाने में, गायों को दूध निकालने में, सब आपको परेशानी आती है, इस भी नहीं मिलता है। और ना हमें काम करने के लिए मजदूर भी नहीं मिलते यहाँ पे, अब काम कैसे करेंगे अपन? तो जमुने से आते और खेत पे जाता, ये हमारा पास में खेत है, है ना, फाटक के उस पार है, मतलब हाँ, खेत उस पार है। तो अभी हमको हिंगोरी में आना पड़े, मजदूर को लाएंगे तो कैसे लेके आएंगे हिंगोरी में? और जाना भी पैदल पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। अच्छा, गाड़ी का गाड़ी निकल नहीं सके, पैदल ही नहीं जा सका, पता क्या भी जाऊंगा। तो आप लोग चाहते क्या है यहाँ पे? हमको रास्ता चाहिए यहाँ पे, रास्ता चाहिए हमको, तो रास्ता चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में आज लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ, तो हमको कुछ रास्ता चाहिए, पहले रास्ता था यहाँ पे, अब हमको रास्ता चाहिए।
रास्ता था तभी तोड़ लिया, अभी क्या जावा, रोज जानो रोज जानो, एक दिन में जो है तो मैं के भी दे सका, मैं रोज जानो पड़े, कूड़ो छुट्टियो नहीं जाए, अभी मजदूर आवे को नहीं, अभी कूड़ा पे तो जानो जरूरी भी, किस जावा रेल थी रोज पड़ी जावा, रोज उठ जावा, कौन आवे अभी, आप बुजुर्ग हैं, चढ़ने में दिक्कत, हाँ दिक्कत आती, बहुत दिक्कत आती, हाँ परेशान हो तो चढ़ना उतरना क्या, ढाने डोल नचे अभी पड़ी जावा तो उठा वो भी नहीं, अभी गाड़ी भी नहीं होगी, गाड़ी कहीं नहीं, रास्ता पर रास्ता नहीं, मगर तो रास्ता से जाम करना पड़ता है, खेत पे जाना पड़ता है, मैं तो विधवा हूँ, मेरे कोई नहीं है, पांती दे रखा खेत, आधा माल ला के दे जो खाऊं और बैठी रहूं, और मैं खेत पे कैसे जाऊं, सब दिक्कत ये है, हमें ये है कि हमारे आने जाने के लिए तो कुछ चाहिए, हम ना तो ढोर रख सकते हैं ना कुछ नहीं, कम से कम 10 किलोमीटर से हमारे खेत पे आना पड़ता है, क्या ये हमें मुसीबत बहुत है, बरसात में है या हम अभी दिवाली के टाइम पर माल मसाला लाते हैं आते हैं तो दिक्कत है, हम कहाँ से होके आएंगे, क्या आने जाने में हमको बहुत दिक्कत है, या बाल बच्चे है ये है, ये फाटक थी रास्ता 100 साल पुराना है और ये अभी इनने नया काम चालू करा तो रास्ता पूर्ण रूप से बंद कर दिया, कोई आना जाना बिल्कुल बंद हो गया, सभी आने जाने वालों को अपना काम जमुनिया से लक्ष्मी से जुड़ा हुआ सब कार्य बंद हो गया। कितने टाइम से ये फाटक बंद है सर? ये 5-7-8 साल हो गए इसको, कई शिकायतें करी, सभी रेलवे वालों को, कलेक्टर को, विधायक को, सबको हमने अवगत कराया पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, आज मजबूर होकर हमें इस तरह का आज जाम लगाना पड़ा, गांव के सभी लोग 100-200 जने यहाँ इकट्ठे हुए इस रास्ते को खुलाने के लिए और रेलवे कोई ध्यान नहीं दे रही। ये जो हम लोग आज इकट्ठित हुए हैं, जो पूर्व में 4 दिन पहले हमने ज्ञापन भी दिया, उसके पहले 5 साल पहले हमने काफ़ी आवेदन रेलवे से लगा के केंद्र तक हमने आवेदन दे रखे हैं जिसके आज तक सुनवाई नहीं हुई। रही बात की अभी पहले लोग जा भी रहते, अभी दूसरी रेलवे के कारण चलने के कारण हमारे पब्लिक जो खेतों पे जाती थी वो पूरी जा नहीं पा रही है और खेती करने में बाकी दिक्कत आ रही है, कई लोगों के पास साधन नहीं है हमारे इधर, तो हमें यहाँ से लक्ष्मी जाने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर का डिफरेंस है जो काफ़ी परेशानी होती है, ना तो उनको कोई साधन मिलता ना कोई मजदूर जाते हैं, क्यों रेलवे को उंगालने के लिए काफ़ी चीज़ें बंद कर दी गई है और यहाँ चौकीदार है तो पब्लिक भी नहीं जा सकती, पैदल भी नहीं जा सकती, इसलिए हम आज लोग यहाँ आए हैं और आगे हम रेलवे को चेतावनी देने चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इसका आह्वान दे और हमें रास्ता दिया जाए, नहीं तो आंदोलन की तैयारी करेंगे हम। रहे सुधीर गुप्ता किसी काम के नहीं है, मैं आज ये कहता हूँ कि पूर्व में 2 बार सांसद बने, उन्हें आज तक कहीं दिखा नहीं कि वो काम के कहीं आवेदन चले गए उनके पास, ना उनको कोई कहने वाला है, इसलिए हम रेलवे को ही ये चेतावनी देंगे कि हम लोग तय करेंगे आज कि हम लोगों को कब बैठना है और रेलवे को कागज़ आप लोगों ने कब दिए थे, हमने दिए आप लोगों ने भी दिए नहीं, उसकी हम चर्चा करेंगे, अभी मुझे जैसे ही पता चला मैं आया हूँ तो अगली बार हम 8-10 दिन के अंदर आंदोलन की तैयारी करेंगे हमें रास्ते की। श्रीमान जी, रेलवे फाटक होने से जमुनिया वासी और लक्ष्मी वालों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो सबसे बड़ा है कि जमुनिया के 25% जो खेत है वो रेलवे के उस पार है और सारे लोगों को माल लाने ले जाने तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था रेलवे द्वारा नहीं की गई। दूसरी बात है कि ग्राम लक्ष्मी से भी जो लोग आते हैं उनके सारे बच्चे पहले जमुनिया कला पढ़ते थे, उनकी पढ़ाई के लिए भी इन्होंने फाटक बंद होने से पढ़ाई बंद हो गई, राशन वाशन की सारी दुकान के सामान जमुनिया कला में ही थी वो भी बंद हो गई है क्योंकि लोग फाटक बंद होने से आना जाना बंद कर दिया है। जितने भी लोग हैं सैकड़ों लोग प्रतिदिन यहाँ से निकलते हैं और इस रेलवे फाटक से कम 8-10 गाँव जुड़े हुए और पूर्व में ये कम से कम 100 साल पुरानी रेलवे लाइन है, मीटर गेज लाइन थी, उस समय से यहाँ रेलवे स्टॉपेज भी था किंतु फाटक बंद होने से सारे जमुनिया के और आसपास जितने भी गांव हैं उन सभी लोगों के आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया और रेलवे ने अभी वर्तमान में और ज़्यादा डिस्टेंसिंग करते हुए सारी लाइनें खोद कर पूर्णतः तार फिंसिंग करके आना जाना पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया। ये आप जो पीछे का हिस्सा बता रहे हैं कितने खेत प्रभावित हो रहे हैं? जमुनिया के कम से कम 25% लोगों के खेत रेलवे लाइन के उस पार है और सारे लोगों को आने जाने के लिए कम से कम 8-10 किलोमीटर की दूरी दूसरे गांव होके करके माल लाना ले जाना किस तरफ से आना पड़ता है। जमुनिया के लोग अगर खेतों पे आते हैं और माल ले जाते हैं तो लाज लक्ष्मी होते हुए बाघ पिपलिया होते हुए हिंगोरिया होते हैं फिर जमुनिया आते हैं
वर्षों से यहाँ पर जो 100 साल पुरानी ये रेलवे लाइन है, यहाँ पर रेलवे फाटक हुआ करती थी, जिससे जमुनिया से लेकर के लोग जो है बाग पिपिया या अपन कहे लाख लक्ष्मी की ओर जाने में आसानी रहती थी। लेकिन विगत 7 वर्षों से यहाँ पर फाटक बंद कर दी गई है रेलवे द्वारा, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में गाँववासी प्रभावित हो रहे, परेशान हो रहे। इनकी परेशानी का आलम यह है कि इनके पास यातायात आवागमन की सुविधाएं नहीं है, उसके बाद इन्हें पैदल निकलना पड़ता है, और केवल इस रेलवे फाटक के बंद होने की वजह से लगभग 8 से 10 किलोमीटर का रन इनको इसलिए तय करना पड़ता है कि इनके स्कूल उस पार है, इनके सोसाइटी उस पार है, इनके खेत उस पार है, तमाम तरह की उनके जो दिनचर्या के संसाधन है वो दोनों इधर और उस तरफ है, जिसकी वजह से गाँव वासियों को परेशानी हो रही है। जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया गया, रेलवे को ज्ञापन दिया गया, प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन दिया, सरपंचों ने ज्ञापन दिया, लेकिन बावजूद इनके किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।